Assalamualaikum. alaikum. I am Faiza Nadeem, your English teacher. Kaise aap sab? How are you feeling in grade nine? I hope you are feeling fine. ठीक है? आज का मेरा lecture है unit seven, the Blue Mosque, और the Sultan Masjid के बारे में. ठीक है? Start करते हैं lecture, चलते हैं board की तरफ. जी बच्चों बिकॉज ऑफ द पेंडामिक यू नॉट स्टार्ट योर अप्रोप्रिएटली इन द स्कूल लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं आप भी बहादुर हैं हम भी बहादुर हैं ठीक है हम करेंगे आज अब तक स्टार्ट यूनिट सेवन से ठीक है यूनिट सेवन सुल्तान अहमद मस्जिद लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दू पेपर पैटर्न के बारे में ठीक है पेपर पैटर्न कैसा होता है आपको एक जो कॉम्प्रीहेंशन यूनिट है जो आपकी टेक्स्ट बुक में है उसमें से कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं जो टू मार्क्स के होते हैं फाइव क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने होते हैं आउट ऑफ एट तो आउट ऑफ एट क्वेश्चंस आपने फाइव सॉल्व करने होते हैं हर क्वेश्चन टू मार्क्स का होता है यानी टोटल टेन मार्क्स आपको मिलते हैं इफ यू आंसर्ड ऑल ऑफ देम करेक्टली ठीक है नेक्स्ट जो चीज आपको आपके कॉम्प्रीहेंशन से आती है वो आती है ट्रांसलेशन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ये आपको तीन ऑप्शन होती हैं उसमें से किसी दो ऑप्शन को आपने ट्रांसलेट करना होता है टोटल इन दोनों के फोर मार्क्स ईच होते हैं यानी के एट मार्क्स तो ट्रांसलेशन पे आपने बहुत फोकस करना है इसलिए कि अगर आप ट्रांसलेशन करेक्ट करेंगे तमाम अल्फाज को सही तौर पे ट्रांसलेट करेंगे तो ही आप ये फुल मार्क्स ले सकते हैं इंग्लिश में यू कैन गेट एज मच एज 98 एट मार्क्स एज वेल ठीक है दो मार्क्स अगर बहुत एग्जामिनर का दिल कर रहा है तो वो आपके लेटर राइटिंग में से या स्टोरी राइटिंग में से कहीं से भी डिडक्ट कर देगा ठीक है उसके बाद आपके ग्रामर टॉपिक आते हैं या ग्रामर क्वेश्चंस आते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर का पार्ट होते हैं इसके लिए मैंने आपके साथ एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इन डिटेल ग्रामर लेक्चर्स शेयर किए हैं ठीक है फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच टू प्रपोजिशन टू पार्टिसिपल्स हर चीज आपके साथ शेयर की है इन ग्रामर क्वेश्चन के जो आपके कॉम्प्रीहेंशन आपके जो टेक्स्ट है जो आपका चैप्टर है उसके बाद मौजूद होते हैं और लास्ट में आते हैं सेंटेंसेस सेंटेंसेस फाइव मार्क्स के होते हैं ठीक है फाइव वर्ड्स होते हैं जिनको आपने सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना होता है यूजुअली ये वही वर्ड्स होते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए होते हैं अब ये जो आपका बोर्ड का पार्ट है ये रिमेन रहेगा मेरे हर लेक्चर में जो यूनिट से बुक्स से उनसे रिलेटेड होगा क्यों क्योंकि आप बार बार इनको देख के याद रखें कि इतने मार्क्स आप आराम से ले सकते हैं अगर आपने बहुत फोकस किया है अपने इंग्लिश पेपर के ऊपर ठीक है तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड इन योर इंग्लिश पेपर इज द ट्रांसलेशन इफ यू आर डूइंग द करेक्ट ट्रांसलेशन दैट इज कैरिंग वेरी इसेंशल एट मार्क्स आपको लव्स के उर्दू मायने आने चाहिए किसी भी लफ्स का उर्दू में क्या मायना होता है ये आपको पता होना चाहिए कैसे जैसे ये मैंने एक लिस्ट आपके साथ शेयर की है ये लिस्ट बेसिकली कवर कर रही है फर्स्ट सिक्स पैराग्राफ्स के लिए ठीक है ये लिस्ट मैंने लिखी है फर्स्ट सिक्स पैराग्राफ्स के लिए नेक्स्ट सिक्स पैराग्राफ मैं अपने लेक्चर में शेयर करूंगी ठीक है रिमेन बाकी रहना इल्यूमिनेट रोशन करना बोथ दोनों सिचुएट वाके होना बेल्कि बाला खाने का बरामदा बालकनी को उर्दू में बालकोनी मत लिख दीजिएगा ठीक है मार्क्स कट जाएंगे बाला खाने का बरामदा याद कर लें जेस्टर इशारा डिवाइन रब्बानी ह्यूमिलिटी इनके सारी काव काटकर नक्श करके बनाना इम्प्रेसिव पुर असर इंटीरियर अंदरूनी एब्ल्यूशन वजू स्प्लेंडर चमक-दमक सक्सेसर जानशीन रॉयल शाहाना मस्जिद इस मस्जिद बहुत है इन इंग्लिश एंड उर्दू सिंबॉलिक अलामती वर्स आयत सबसे पहले मैं इस uh, कॉम्प्रीहेंशन के बारे में इस चैप्टर के बारे में आपको कुछ बता दूं ये चैप्टर है बेटा सुल्तान अहमद मस्जिद इन टर्की टर्की के अंदर सुल्तान अहमद मस्जिद जिसको हर्फ आम में ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है उसके बारे में है ये कब तामीर हुई इसके क्या आर्किटेक्चर है किस तरह से बनी किन लोगों ने बनाया और किस बादशाह ने इसको बनने का हुक्म दिया दिस ऑल इज कवर्ड इन दिस चैप्टर विच इज यूनिट सेवन ऑफ योर टेक्स्ट बुक ठीक है आजकल आपको इसके लिए ज्यादा इंटरेस्ट होगा कि आजकल टर्की काफी इन है ठीक है सो ये टर्की की वो जो वर्ल्ड फेमस ब्लू मॉस्क है एक और चीज आपने हाया सूफिया के बारे में पढ़ा होगा ये वाली जो मस्जिद है जिसको सुल्तान अहमद मस्जिद या द ब्लू मॉस्क कहा जाता है इसका जो आर्किटेक्चर है वो हाया सूफिया से इंस्पायर्ड था इसीलिए दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड साइट्स ऑफ द टूरिस्ट ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ती हूं और आपके लिए मैंने एक एग्जाम्पल पैराग्राफ और उसकी ट्रांसलेशन बोर्ड पे लिखी हुई है ठीक है वहां हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे आप देखिए इस तरह के सेंटेंसेज आते हैं वो एक शॉर्ट सा पैराग्राफ होगा ठीक है जो आपको ट्रांसलेट करना होगा उर्दू में उसके लिए आपने बहुत ध्यान रखना है ये मैंने पैराग्राफ वन लिया है बुक से ठीक है द सुल्तान अहमद से लेके टूरिस्ट अट्रैक्शन तक ठीक है इसकी ट्रांसलेशन मैंने बोर्ड पे लिखी है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ आपने क्या करना है कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक खोलनी है और मेरे साथ साथ ये रीड करने के साथ साथ आपने अपनी टेक्स्ट बुक का पैराग्राफ वन रीड करना है मस्जिद सुल्तान अहमद दुनिया की सबसे ज़्यादा मुतासर कन यादगारों में से एक है इसकी नीली टाइलों की वजह से जो उसके अंदरूनी हिस्से को सजाती हैं इसको नीली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तोल जो फोर्टीन से नाइनटीन तक सल्तन अस्मानिया का दारुल खुलाफा था में वाकई ये मस्जिद सयाहों के लिए सबसे पुरकशिश हर दिल अजीज मुकाम बन गई है ये वाला जो स्पेसिफिक पैराग्राफ है ये 2016 के बोर्ड एग्जाम में आया था इसीलिए मैंने इसको एज एन एग्जाम्पल आपके लिए ट्रांसलेट कर दिया है अब जो फर्स्ट सिक्स पैराग्राफ की ट्रांसलेशन आपने करनी है नेक्स्ट ठीक है नेक्स्ट टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है फाइव पैराग्राफ्स रह गए इनकी ट्रांसलेशन जो आपने करनी है उसके लिए आपको मैंने एक वर्ड लिस्ट दे दी है ठीक है आप वो वर्ड लिस्ट देखें जिसके साथ मैंने अल्फाज और उनके महीने दोनों लिखे हुए हैं वो आपको हेल्प करेंगी इनकी ट्रांसलेशन ठीक है जो नेक्स्ट पैराग्राफ्स हैं जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स हैं वो हैं थ्री फाइव एंड सिक्स यू कैन स्किप और यू कैन बी अ लिटिल कम्फर्टेबल इन पैराग्राफ टू एंड पैराग्राफ फोर क्यों क्योंकि वो अभी तक बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आए लेकिन एंड अभी तक बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं पैराग्राफ आपका 2016 के पेपर में आया है इसके अलावा जो पैराग्राफ्स पेपर में आए हैं वो है पैराग्राफ थ्री फाइव एंड सिक्स ठीक है ये वो तीन पैराग्राफ्स हैं जो पिछले पास पेपर्स में आए हुए हैं आपने इनको लाजमी ट्रांसलेट करना है और आपको ट्रांसलेशन में हेल्प करेंगे वो वर्ड लिस्ट जो मैंने पहले आपको लिख के दी हुई है ठीक है इसी तरह से नेक्स्ट जो आपका अगर आपका चैप्टर खत्म होता है खत्म होने के बाद आप पीछे देखिएगा कुछ वर्ड्स हैं जो सेंटेंसेस के लिए आपको कहा गया है जिनको आपको कहा गया है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करने के लिए ठीक है ऑल दो बींग इंग्लिश पर्सन आई वॉन्ट यू टू हैव इमेजिनेशन लेकिन मैंने यहां पर आपके लिए उन वर्ड्स के सेंटेंसेस बना दिए ठीक है थीके? ताकि आप इनको रोट लर्न कर लें और आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आए जैसे इम्प्रेसिव देर आर मेनी इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स इन लाहौर ठीक है यू कैन जस्ट चेंज द नेम ऑफ द सिटी एंड पुट इन द एनी ऑफ द प्लेसिस नेम इन ऑर्डर टू हैव योर ओन क्रिएटिविटी इफ यू टू का मतलब क्या होता है खूब मेहनत से खूब हिम्मत के साथ अली आंसर्ड ऑल द क्वेस्टरसली ठीक है स्पेशियस स्पेशियस का मतलब होता है खुली जगह आई सेट इन ए स्पेशियस क्लास रूम माई बेडरूम इज वेरी स्पेशियस माई स्कूल इज वेरी स्पेशियस ठीक है ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिटी का मतलब है इंकिस ही डज नॉट है ह्यूमिलिटी टू एडमिट वेन ही इज रोंग उसके अंदर इतनी इंकसारी नहीं है कि वो कबूल करे कि वो गलत है ठीक है फ्लैम बॉयट का क्या मतलब होता है बहुत फ्लैशी चमकदार सीक्वेंसेस वाले मतलब बहुत ही ज्यादा हेवी हिज ड्रेस रादर बॉय फॉर सच अ सीरियस ओकेजन ठीक है serious occasion. कोई एक सीरियस ओकेजन के ऊपर आप बहुत चमकते दमकते भड़कीले कपड़े पहन के चले जाएंगे तो ऑब्वियसली इट विल नॉट लुक अप्रोप्रिएट तो दिस इज वॉट फ्लैम मीन्स एंड दिस इज द सेंटेंस फॉर इट I want you to pause this video, copy down the sentences, and then learn them in order to get 515. Alright, I hope you are done. Let's move on to the next board. Now, page number 76 textbook, you will see that glossary. उस ग्लॉसरी के नीचे अराउंड सेवन टू एट वर्ड्स हैं और उनके सिनेिम्स दिए हुए सिनेिम्स क्या होते हैं सिनेिम्स होते हैं वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स सिनेिम्स और डेफिनेशंस में फर्क होता है सिनेम्स आर द वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स। डेफिनेशन का मतलब होता है कि इस वर्ड का क्या मायने है वो आपको उनके मायने बताते हैं जैसे डेफिनेशन कैन बी ऑफ मोर देन वन वर्ड लेकिन सिनेिम हर वर्ड का एक ही वर्ड होता है ठीक है तो ये ग्लॉसरी आपने रोट लर्न करनी है पेज सेवेंटी सिक्स टेक्स्ट बुक पे आपकी ग्लॉसरी है क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर में प्रॉपर एक क्वेश्चन आता है ठीक है सीनेम्स का तो ये आपने रोट लर्न कर लेनी है जिस तरह आपने सेंटेंसेस रोट लर्न करने बेटा उसी तरह आपने ग्लॉसरी रोट लर्न कर लेनी है आगे मूव करते हैं आपके पास एक पेज नंबर सेवेंटी सेवन क्वेश्चन नंबर ए है सिनेम्स वो एमसी हैं ठीक है टेक राइट आंसर उसमें आपने जो करेक्ट है उसको टेक करना है ठीक है इसी तरह नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पेज सेवेंटी सिक्स पे क्वेश्चन नंबर बी है वो भी आपके एंटेनिम्स है उनको भी आपने करेक्ट एमसीक्यू के साथ उसको टेक करना है ठीक है और लास्ट है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स अगर आपको मेरा एडवर्ब्स वाला लेक्चर याद हो तो आपको ये याद होगा कि मैंने एडवर्ब पोजीशंस की डिस्क्रिप्शन दी थी और मैंने ये बताया था कि ऐसे ही हर जगह नहीं लगा लेते उनकी एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है तो ये पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स जो है इनको फिक्स करने में आपको वो लेक्चर हेल्प आउट करेगा इसके बाद में आपको करेक्ट ये जो तीनों मैंने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं इनकी करेक्ट फॉर्म और ये जो पैराग्राफ्स मैंने तो बताए हैं इनकी पिक्चर्स अपलोड करूंगी मेरे लेक्चर के एंड पे ये सब कुछ पिक्चर्स में अपलोड करूंगी आपने वीडियो को पॉज करना है पॉज करके आपने इसको नोट डाउन करना है लिखना है देखना है याद करना है ताकि आपके बहुत अच्छे से मार्क्स आए तो रिकेपिचुलेट कर लें आज हमने लेसन किया है द स सुल्तान मस्जिद जो कि ब्लू मॉस्क टर्की के बारे में है और हमने ये जाना है कि हमारा इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा और किस तरह से आएगा मार्क डिवर्जन क्या होगी हमने ट्रांसलेशंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और हमने अपने सेंटेंसेस लर्न करने हैं और उसके अलावा ग्रॉसरी भी लर्न करनी है नेक्स्ट आपको पिक्चर्स अपलोड होंगी जो कि ये चार क्वेश्चंस को कवर कर रही होंगी बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा अपना अल्लाह हाफिज